बच्चों, हम ग्रह विज्ञान पढ़ रहे हैं आज कक्षा 12वीं का, और इसमें इकाई 8 आ वस्तु विज्ञान, जिसमें वस्तुओं का चयन, धुलाई के प्रकार, नील और कलफ लगाना पढ़ेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हम वस्तुओं को काटते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि नाप लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमको रखना चाहिए, स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, कपड़े को किस स्थिति में रखना चाहिए, और कौन सी चौक यूज करना चाहिए, इन सब का हमने पढ़ा था। आज अब पढ़ेंगे कि जब हम सिलाई के लिए कपड़े को काटते हैं तो हमको कौन कौन सी बातें आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वस्त्रों का ताना बाना देखना जरूरी है। यह सबसे जरूरी है कि हमें देखना चाहिए कि हमने कपड़ा किस स्थिति में रखा हुआ है, उसके ताने बाने की स्थिति को देखना चाहिए। आड़ा कपड़ा जल्दी फटता है और कपड़ा उल्टा ना काटा जाए। अगर कपड़ा आड़ा काट रहे हैं तो वह बहुत जल्दी फट जाता है, और ऐसा ना हो कि कपड़े को हम जल्दी जल्दी में उल्टी तरफ से काट दें। उल्टा व आड़ा कपड़ा देखने में सुंदर नहीं होगा। आड़ा कपड़ा, अगर कपड़े में कुछ डिजाइन है, प्रिंट है, तो उसको भी देखना कपड़ा काटते समय बहुत आवश्यक होता है। अगर उल्टा या आड़ा कपड़ा कट जाएगा तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कपड़ा बना रहे हैं वह उद्देश्य भी पूर्ण नहीं होगा। फिर है कि वस्त्रों को काटने से पूर्व पानी में भिगोना चाहिए। 4-5 घंटा भिगोने के बाद सुखाकर प्रेस करके काटना चाहिए, इससे वस्त्र छोटा नहीं होगा। वस्त्रों को पानी में इसलिए भिगोना चाहिए, अगर उसमें किसी तरह का कलफ या मार चढ़ा है तो वह निकल जाता है और वस्त्र अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। उसको धोकर सुखा लो। सुखाने के बाद उसमें प्रेस करना बहुत जरूरी रहता है, जिससे कि कपड़े को धोने और सुखाने में जो सलवटें आ गई हैं, जो क्रश हो गया, वो कपड़ा एक सा हो गया, और फिर उसमें आसानी से आप वस्त्र तैयार करने के लिए उसको काट सकते हैं। फिर है कि वस्त्र काटने से पूर्व कपड़े के तिरछे पर या कान को ठीक कर लिया जाए, बाद में निशान लगा। अगर कुछ कोने निकले हुए हैं, कपड़े में डिजाइन तिरछी है या कपड़ा ही तिरछा है, तो काटने से पहले उसको सही कर लो, एक सा कर लो, उसके बाद फिर कपड़े पर निशान लगाए काटने के लिए। वस्त्र के आड़े खड़े का ध्यान रखें, क्योंकि आड़े वस्त्र में स्थिति ठीक नहीं है। आड़ा वस्त्र का वह भाग है जिसे दुकानदार काट कर देता है, लंबाई वाला भाग खड़ा होता है। वस्त्र के काटने से पूर्व उसकी सिकुड़न दूर कर लें। वस्त्र को काटने से पूर्व सिकुड़न जब धोएंगे सुखाएंगे तो उसमें प्रेस करना आवश्यक है। प्रेस करेंगे तो उसकी सिकुड़न दूर हो जाए। वस्त्र काटते समय जितना कपड़ा सिलाई में दबाना है उसको छोड़कर वस्त्र काटें। पूरे नाप का नहीं काटना चाहिए, 1 या 2 इंच अतिरिक्त कपड़ा काटना चाहिए, जिससे कि सिलाई में दबाया जा सके। कुछ मार्जिन लेकर वस्त्र काटना चाहिए। वस्त्र काटने से पूर्व कागज पर ड्राफ्ट बना ले, उस पर रखकर वस्त्र काटे, इससे वस्त्र गलत नहीं होगा। कपड़ा खराब ना हो, इसके पूर्व पुराने पेपर है या कपड़े कागज है, उस पर वस्त्र की डिजाइन या ड्राफ्ट बना ले। उसके बाद कपड़े के ऊपर उस कागज को रखकर
कपड़ा काटे, इससे कपड़ा सही कटेगा और कपड़ा बर्बाद भी नहीं होगा, न कोई परेशानी होगी कपड़े को काटते समय। अब है सिलाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले है कि वस्त्र सिलने से पहले प्रत्येक भाग पर सावधानी से निशान लगाएं। सिलने के पहले जब कटिंग करें, कटिंग करने के बाद सिलाई करने के लिए निशान लगा लें और धीरे धीरे उस पर सीधी सीधी सिलाई करती जाए। धागा वस्त्र के रंग से मिला कर लें और उसका रंग पक्का व मजबूत। जो धागे का उपयोग कर रहे हैं सिलाई करते समय उसका रंग मजबूत होना चाहिए, अच्छी कंपनी का धागा होना चाहिए, नहीं तो सिलाई करने के बाद धोने में धागा अपना रंग छोड़ देगा तो वह वस्त्र खराब हो जाएगा। सिलाई सीधे बैठकर करें, अधिक झुके नहीं। रेशमी वस्त्रों को सिलने से पूर्व कच्चा कर लें क्योंकि ये सरकता है। रेशमी वस्त्र खूब जल्दी सरकता है तो सिलाई करने से पहले उसमें कच्चा करके कर लें, जिससे कि सिलाई करने में आसानी हो और कपड़ा सरके नहीं। सिलाई में कपड़ा बाएं हाथ की ओर ही रखें। हाथ से सिलाई या तुरपाई करते समय सुई दाएं हाथ से पकड़नी चाहिए और सिलाई करते समय वस्त्र किनारे से 5 मिलीमीटर छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा सिलाई करते समय किनारे का कपड़ा 1-2 इंच छोड़ देना चाहिए, इससे सिलाई करते समय आसानी होती है। अब है कि कपड़े की मात्रा का अनुमान लगाना। हमको कपड़ा जिस नाप का बनाना है उस नाप के हिसाब से कपड़े की मात्रा का अनुमान लगाना। तो सबसे पहले कि सिले जाने वाले वस्त्र की नाप डिजाइन से कपड़े का कि कपड़ा वस्त्र किस डिजाइन का बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उसके हिसाब से कपड़ा का अर्ज देखना चाहिए। फिर लंबाई चौड़ाई में अधिक कपड़ा देना होगा, इसका ध्यान रखें। अब उदाहरण के लिए है कि पैजामा के लिए कपड़ा, तो हमको इसके लिए कितने अर्ज का कपड़ा लेना चाहिए। तो यहाँ एक सामान्य तौर नाप दिया गया है पैजामे का कि 30 से 36 सेंटीमीटर हो, तो जितनी पैजामे की लंबाई रखनी है उसका दुगना धन 7 इंच का कपड़ा लगेगा। अगर चूड़ीदार पैजामा बनाना है तो 36 सेंटीमीटर 2 गज कपड़ा साधारण लंबाई का 1.5 गुना धन 9 इंच होना चाहिए। किसी तरह में ब्लाउज की नाप 36 इंच का 1 गज कपड़ा, 1 मीटर अर्ज का 37 सेंटीमीटर चाहिए। फिर अगर फ्रॉक बना रहे हैं तो 21 इंच व 28 इंच का कपड़ा, 2 बॉडी लंबाई धन 2 घेर लंबाई धन 1 आस्तीन लंबाई लेनी चाहिए। ये जो सामान्य है नाप पजामा के लिए, ब्लाउज के लिए, फ्रॉक के लिए, चूड़ीदार पैजामा के लिए। अब इसमें आगे देखेंगे कि सिलाई के कुछ संकेत होते हैं। तो सिलाई के संकेत कौन कौन से हैं? तो पहला है सी, मतलब सीना चेस्ट या चेस्ट। फिर लंबाई के लिए है ला, सीट के लिए है सी, आस्तीन के लिए आ, नेचुरल लंबाई नी, कमर के लिए है का, गला के लिए गा, और इस निशान से जोड़कर अधिक और इस निशान से बाकी कम करना। बराबर मतलब कि इस निशान से हमको अधिक लेना है और ये माइनस का निशान मतलब कि इस निशान से हमको नाप में वस्त्र कम लेना है। अब
है यहाँ पर कुछ नाप के फ्रॉक का नाप है। अब हम देखेंगे कि फ्रॉक का वस्त्र तैयार करते समय उसकी नाप कैसे लेंगे। तो फ्रॉक के ऊपरी भाग की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 51 सेंटीमीटर है। कंधा, आस्तीन, आस्तीन की गोलाई और 0 से 1 पर कपड़े को दोगुना मोड़ ले, इस तरह फ्रॉक की नाप तैयार होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह इस तरह से ड्राफ्टिंग करी जाती है कटाई करने के पहले कपड़े में। ये हो गए पीला, ये हो गए आपके आस्तीन का। तो इस तरह से आप इनके हिसाब से फ्रॉक की कटाई कर सकते हैं। आपको ड्राफ्ट बना रही है तो कटाई करने में और सिलाई करने में आसानी रहेगी। इसी तरह है ब्लाउज का नाप और कटिंग। कपड़े का अर्ज 1 मीटर होने पर 2 लंबाई 5 सेंटीमीटर कपड़े से नाप लंबाई है, कमर है, कंधा है, आस्तीन, बाह की लंबाई, ये सब एक सामान्य नाप के हिसाब से दिया गया है। इसके अनुसार ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। ये भी दिया है ब्लाउज सीधा रहे, ये हो गई इधर से ये लंबाई हो गई, ये कमर हो गई, ये आस्तीन की गोलाई। तो इसके हिसाब से ब्लाउज के नाप लेकर कटिंग की जा सकती। अब यह साधारण पजामा, तो साधारण पजामा में कपड़ा 2 लंबाई 18 सेंटीमीटर और 36 का होने पर लंबाई 39.99 सेंटीमीटर, आगे की मोहरी पाजामे के वस्त्र को सर्वप्रथम लंबाई में मोड़ ले, चौड़ाई के रूप में दोहरा मोड़ ले। और यह दिया है पैजामे की ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से कपड़े पर ड्राफ्टिंग बना लेने से आसानी होती है कपड़े की कटाई और वस्त्र को सिलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है।